बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल चाल हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, फिट फाट। तो यार आज मैं अपने अंकल की तरफ आया हुआ था। रात को थोड़ा सा काम था, उनकी लाइट चली गई थी तो वो ठीक करवानी थी, तो मैं इस तरफ आया हुआ था। तो बस अब घर के लिए निकल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में मैंने तो सोचा यार आप लोग थोड़ी गपशप कर लूँ और सुनाएं कौन कौन सुबह सुबह उठा हुआ है, किस किसने वॉक की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मौसम आज थोड़ा गर्म है, आज दो तीन काम करने वाले हैं। एक तो अनयूजली पे है मुझे क्या करना है, पानी भरना है घर का, और नंबर दो पे मैंने बाइक ठीक करवानी है, और नंबर तीन जो है वो मैंने क्या करना है, वो मैंने करना है सोलर पैनल जो लगवाया था ऊपर, तो प्लेटें रखवाई हैं, अभी फ़िलहाल तीन ही हैं, लेकिन थोड़ी इनकी साफ़ सफाई करनी है ताकि पावर वगैरह पूरी आ जाए। पावर कम आ रही है तो मैंने किसी से पूछा अभी दोस्त से, तो उसने मुझे कहा यार आप ऐसे करो कि थोड़े साफ़ सफाई करो तो उससे इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतर हो जाएगा। तो मैं चलो आज करके देखते हैं साफ़ सफाई। बड़ी प्यारी हवा चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है यार, बड़ा मज़ा आता है इस टाइम वीडियो बनाने का। तो आप दोस्त सुनाएं क्या हाल चाल हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कमेंट करके बताएं। तो यार एक थोड़ी सी बात थी जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था मैं। आजकल के बच्चों में थोड़ा सा मैंने ये देखा यार, वो अपनी टीचर की रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से करनी चाहिए। एक टाइम था यार हम लोग अपने टीचर्स को देखते थे, चाहे बाइक पर हैं गाड़ी पर हैं, हम रुक कर उनको सलाम करते थे, जो करीब शॉप होती थी वहाँ ले चलते थे, चाहे चाय का ढाबा है या कोई भी जगह हो रीज़नेबल हो, वहाँ हम उनका बैठते थे, उनसे गपशप करते थे, उन्हें खाने पीने का पूछते थे, चाय शाय का पूछना, हमने उनसे ढेर सारी बातें करनी बैठ के। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चों में ना वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, बच्चों में रिस्पेक्ट नहीं है टीचर्स के बारे में ना, तो वो जो है ना रिस्पेक्ट का एलिमेंट वो कम हो रहा है। तो वो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बताएं बच्चों को कि जो टीचर हैं ये अनमोल तोहफा हैं कुदरत का, यार देखें ये पूरी कौम को बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके हाथ के पड़े हुए बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर फाइज हैं। लेकिन क्या है कि टीचर की हालत नहीं बदली। दूसरे ममालिक में देखा है मैंने अक्सर कि दूसरे ममालिक में मैंने अक्सर देखा यार कि जो टीचर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छी खासी रकम मिलती है। हमारे मुल्क में ये हालात हैं कि टीचर की हालत बेचारे की वही है, वो साइकिल पे था, वो सारी उम्र साइकिल पे गुजार देता है अपनी, उसके घर के हालात कभी नहीं बदले। तो ये हमारे मुल्क में जो है ना बड़ा ही दिल दुखता है देखकर। गवर्नमेंट को टीचर्स के बारे में सोचना चाहिए, और यार उनकी पेंशन के हवाले से भी, उनको पेंशन में आसानी हो, पेंशन इतनी हो कि यार वो अपनी आखिरी उम्र में अपना ज़िंदगी गुजारा अच्छा गुजर बसर कर सकें। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पेरेंट्स ख़ास तौर पे यार अपने बच्चों को ज़रूर बताएं अपने टीचर्स के बारे में, उनकी रिस्पेक्ट के बारे में कि उनकी रिस्पेक्ट करनी कैसे है। आज हम जो कुछ भी हैं यार उनकी वजह से हैं, तो जो कौमें अपने उस्ताद की कदर नहीं करती वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी कमाई नहीं बल्कि आपकी तरबियत देती है। तो बच्चों को जो है वो अच्छी तरबियत दें ताकि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखें और आपकी भी रिस्पेक्ट करें। हाँ जी, तो दोस्त के मिलने जा रहा था तो रास्ते में बाइक पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा यार पेट्रोल डलवा लेते हैं, पता लगा 266 का पेट्रोल हो गया है लीटर। बड़ी खुशी हुई यार देखकर, मेरे सरप्राइज़ था, तो मैंने इकट्ठा फिर 1000 रुपये का डलवा लिया है। चलते हैं दोस्त की तरफ, पता करते हैं कि वो घर में है कि नहीं है। जी, तो दोस्त के घर आया था, वो घर नहीं मिला, गलती मेरी है, फ़ोन करके आना चाहिए था उसको, वो कहीं बाहर निकला हुआ है। तो चलो कल आएंगे उसके पास, उसे बोतल भी पियेंगे, गपशप भी करेंगे और आपको भी मिलवाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं घर वापस चलता हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाइक चलते हैं, चलने के बाद फिर चलते हैं हम। ये सप्लाई है यार, ये ठीक करवानी है मेरी जैकेट के भी, तो पहले बाइक ठीक करना, गर्म बहुत है, पता नहीं जाएगा। Thank you.
ठीक है उसको। जी दोस्तों, तो बाइक मैंने धो ली है, तो अब चलते हैं सप्लाई ठीक करवाने। ये एक दोस्त की सप्लाई है, एक मेरी है। मैंने गलती से ऐसे पूछ लिया, मैं कहा चल भाई चलें। मुझे वो भाई साहब कह रहे हैं यार आप इस तरह करो, हुआ हो मैं ज़रा बिज़ी हूँ, जा तो रहे हो, चलो पूछ नेकी और पूछ पूछ, तो आप ऐसे करो मेरा काम भी करवा दो। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिलहाल आपका काम भी करवा देते हैं जी। अब मैं दोनों सप्लाइयाँ लेके जा रहा हूँ बनने के लिए, देने के लिए। जी तो क्या आपके दोस्त भी ऐसे ही हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यकीन करें शाम का टाइम है और सूरज ग़ुरूब हो चुका है, करीब करीब ही है, अभी तक लू है, गर्मी बहुत ज़्यादा है रोड के ऊपर। तो मुल्तान का मसरूफ़ तरीन रोड है, देख रहे हैं कितना रश है यहाँ पर। यहाँ पर आगे निकलने के लिए रास्ता ख़ुद बनाना पड़ता है, कोई आपको देता नहीं है। देखें यहाँ विडा भी चलती है और धुआँ छोड़ रही है, मट्टी उड़ाती हुई जा रही है। ये है हुसैना का ही मुल्तान का मसरूफ़ तरीन जगह, बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट भी है जहाँ पर मैं ये स्प्राइट ठीक करवाऊँगा। दोस्तों तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह एलईडीज वगैरह हर चीज़ ठीक होती है, ये दुकानें हैं। तो चलते हैं भाई के पास स्पीकर ठीक करवाने के लिए। तो ये भाई मेरे जानने वाले हैं, इनसे सलाम तो है, पहले भी मैंने इनसे ठीक करवाई है, अब दोबारा इनके पास चलते हैं। भाई के पास बहुत ज़्यादा रश होते हैं, लेकिन हमें टाइम देते कि नहीं देते। अब ये तैयार हो गई है, दो तैयार हो गई हैं जी। दोस्तों तो लाइट बार बार आ जा रही है, जिसकी वजह से मैं 6 बजे का आया था, 10 बज गए हैं, मैं अब जाके फ्री हुआ हूँ। सप्लाइयाँ ठीक हुई हैं दोनों जाकर, अगर लाइट ना जाती तो मैं जल्दी फ्री हो जाता, तो अब घर जाऊँगा सप्लाइयाँ लेके, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल प्लेटें धोएंगे इंशाल्लाह, और सुबह मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई की दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।